गांव प्रेमनगर में रात के समय एक 30 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यक्ति का नाम अशोक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक का गांव के ही कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था। वहीं मृतक के परिवार के सदस्यों के बयानों के आधार पर पुलिस ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व धारा 34 के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी है। मेरे भाई अशोक, जिसका मृतक का नाम अशोक कुमार है, पिताजी का नाम वीर सिंह है, ये हमारे खेत में पानी लगा रहा था ट्रैक्टर से, और जब इसका हमें फोन, जैसे इसके पास फोन किया तो इसके फोन पर घंटी जाई गई, लेकिन इसको फोन नहीं उठाया, तो हमें ऐसे इसको खेत में जाके देखा तो ये हमें मृतक मिला। आपको क्या लगता है कि इन्होंने सुसाइड किया या इनकी हत्या की? इसकी जैसे मैं जाकर इसकी जो पोजीशन देखी तो उससे लगता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की है। किन लोगों पर शक है आपको? गांव के ही कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं? 6-7। कोई रंजिश का मामला है पहले का? हाँ जी, हमारी रंजिश चल रही है। कुमार सुनो, वीर सिंह प्रेमनगर से है जी, और खेतों में पानी दे रहा था, उसके बाद ये हमने एक मुकुना रखा थी चंद्र का, उसमें एक गवाह आ गई, तो कह रहे थे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे ये लोग, कोई या तो इस बारे में गवाही मत दो, ये इस तरह की बातें कर रहे थे। यानी गवाह को गवाही ना देने के जगह उसको मजबूर किया जा रहा है। हाँ जी हाँ। तो गांव के लोगों पे कोई आरोप कर रहे हैं? बाहर का गुंडा गांव के लोग हैं, 6-7 लोगों को इन्होंने जो है नाम लिखवाया है, वही नहीं